हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय झाजू फिटनेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हमें अभी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़, और हमने अभी प्लान बनाया था हमने एकदम से भी जाना है हरिद्वार। तो उसके लिए मैं और मेरा दोस्त स्पोर्ट्समैन है भाई अपना, ठीक है। कौन सा गेम खेलता है भाई? फुटबॉल खेलता है, और भाई का भी चैनल है, बढ़िया। बट भाई काम वर्किंग पे नहीं है भाई, सब्सक्राइब मत करना, वर्किंग पे नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ वर्किंग पे नहीं है। तो दोस्तों हम जाएंगे हरिद्वार, तो वहाँ का पूरा व्यू जो है हम दोनों, मैं और मलकीत भाई, हम दोनों अपने पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, सारा बता जो भी वहाँ का जो भी बढ़िया सीन सारा कुछ आपको दिखाएंगे, पूरा व्यू जो भी हम इंजॉयमेंट करेंगे सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो हरिद्वार की ट्रेन कितने बजे है? हमारी हरिद्वार की ट्रेन है 2:30। टिकट हो गया अभी एक घंटा डिले, पहले हमने सोचा था बिना टिकट के जाएं, पर रिक्स नहीं लेना भाई, टिकट लाओ यार, ये ना कहीं पैसा देके जाओ, फायदा नहीं है। 90 रुपए की टिकट आपको, कोई फायदा नहीं आपको, 90 रुपए की टिकट आपको 500 रुपए का पड़ जाए, तो टिकट ले लो 90 रुपए में सब जगह, ठीक है, सस्ती है। तो हम मिलते हैं डायरेक्ट हरिद्वार में, ठीक है, तब तक आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते रहेंगे, मिलते हैं इसके साथ ही। यहाँ पे हमें मलकीत भाई गाइड कर रहा है, भाई दिखा रहे हमें प्लेटफॉर्म। अब चले हैं, हम आ चुके हैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं हूँ, और ये है मेरा गेटअप, और तुम्हारा भाई रेडी है जाने के लिए। तो भाई मेरी पूरी वीडियो बना रहा है एकदम कैमरामैन की तरह, देख रहे हो भाई की वीडियोग्राफी। तो दोस्तों हम फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, और हमें बहुत मुश्किल से सीट मिली है क्योंकि रश बहुत था ट्रेन में, और हमारे साथ एक नया बंदा मिला है, और साथ में गुड़िया ही बैठी हुई है साथ में भी, मम्मी और तो नीचे खड़े रहे लेकिन गुड़िया को जगह दे दी हमने। भाई के देखो काफ्स, देखो भाई के कितने बड़े बड़े हैं, स्पोर्ट्स मैन है ना, रश देख रहे हो कितना है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ट्रिप, तो बढ़िया है, ट्रेन रुकी हुई है। सो गाइस फाइनली जो है हम हरिद्वार स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे होंगे हम फ्रेश, और इसके बाद भाई बहुत लेट हो गए हैं, ट्रेन ने बहुत लेट कर दिया, मतलब कम से कम एक घंटा डिले हो गया, एक घंटे से ज़्यादा, डेढ़ घंटा लेट होने के बाद अब देख रहे हो क्या हालत हो रखी है हमारी। अब जाएंगे फ्रेश होंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हरिद्वार में जाके गंगा में नहाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे भगवानों के, तो सारा आपको दिखाएंगे। चलो मिलते हैं इसके साथ ही, तो हम जा रहे हैं फ्रेश होने, और आप इतना जाके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और चलो मिलते हैं आगे। सो दोस्तों हम जो है अभी फ्रेश होकर बाहर निकल चुके हैं, ठीक था, 10 रुपये लिए हमसे, 10 रुपये का वैसे एक जने का 10 शौचालय का वॉशरूम का, बट हम दोनों घुस गए साथ में, ठीक है, रश था इस करके पता नहीं लगा, तो हो गया फ्रेश 10 रुपये में, अच्छा था वॉशरूम, सब साफ सफाई बहुत बढ़िया थी। तो अभी हम स्टेशन से निकलेंगे, अब हम यहाँ से हमारा यहाँ स्टेशन तक का सफ़र यहीं पे ख़त्म होते हुए हम निकल रहे हैं अपने मंजिल पे, जो कि है गंगा नदी, जहाँ स्नान करना हमने यार, ठीक है, और शिव जी के दर्शन, जहाँ डुबकी मारनी है, ठीक है, तो वहाँ मिलते हैं इसके साथ। ये है आउटलुक जब हम निकलते हैं हरिद्वार के स्टेशन के बाहर, तो ये पहले मिलेगा हमें हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे, कितना बढ़िया बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो ये है, और वो आउट है उत्तर रेलवे हरिद्वार, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारा, अब यहाँ से हम लेंगे ऑटो, और उसके बाद सीधा मंदिर, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, खाते हैं कुछ यार, खाना है पहले, चलो ठीक है। ये निकल गए हम बाहर, ये देख लो रश कितना है, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे तो जो 5 मिनट का रास्ता है उसको कम से कम पूरा करने में भी 20 से 25 मिनट लग जाता है। चलो चलते हैं जी। तो भाई हमारे मलकीत भाई को लग गई थी भूख, तो हम आए हुए अभी होटल में वैष्णो ढाबा, तो यहाँ पे खाएंगे, पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा भूख, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे रश था, और जिस ट्रेन में हमने आना था उस ट्रेन में आ नहीं पाए,
क्योंकि वो काफ़ी डिले था, तो इस करके हमें दूसरे ट्रेन में आना पड़ा और वो भी जनरल वाले में, और फिर भीड़ बहुत थी, तो इस करके बहुत दिक्कत हुई, बट एटलीस्ट हमें सीट मिल गई थी वहाँ पे। इस चीज़ का बहुत अच्छा रहा ये चीज़ हमारे लिए, तो इसमें सफ़र अच्छा रह गया। तो चलो अब हम पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद करते हैं आगे की बातें, उसके बाद जाएंगे हम घाट पे। घाट बोलते हैं जो गंगा नदी है वहाँ को बोला जाता है घाट, तो हम पहले हम उसके बाद जाएंगे यहाँ से घाट पे। तो भाई हम वहाँ से निकल गए हैं बाहर, क्योंकि वहाँ पे का जो खाना था कुछ ज़्यादा ही महंगा था और हमने अपना पॉकेट भी देखना था, तो उस हिसाब से आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो इस करके महंगा देते हैं। दो पराठे 100 रुपये का दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और उसमें कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ फ़ायदा नहीं। इससे बेटर है कि आप आगे जाके कुछ और अच्छा खा लीजिए, 100 रुपये में अच्छा खासा मिल जाता है फुल प्लेट। तो वहाँ जाएंगे हम, और जल्दबाजी ना करें, जितनी आप जल्दबाजी करेंगे उतना महंगा पड़ेगा आपको चीज़ें, तो इसलिए जाओ थोड़ा से और मेहनत कर लो और कुछ अच्छा, और 100 रुपये में काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी खाने को। हम भाई रास्ते के लिए भटक रहे थे, तो किसी बंदे से पूछा, वो काफ़ी दूसरा रास्ता बता रहा था मैं, ताकि हम ऑटो कर लें, तो हमने उनसे ना पूछ के दुकानदार से पूछा, तो उन्होंने सही रास्ता बताया, तो थोड़ा इस चीज़ से भी बचे, ठीक है। नया बंदा देख के लोग बहुत कुछ बंदे को भटका देते हैं, ठीक है, तो भटकना नहीं हमने, और किसी अच्छे बंदे या दुकानदारों से पूछे, वो कभी भी गलत नहीं बताएंगे आपको, हमेशा अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। रश बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा, देख ही रहे होगे, ये देखा भाई, देख लो पुराने टाइम में चलती थी, और अभी यहाँ पे भी अभी भी चल रही है भाई। यहाँ पे जो है फेमस है गुजरात की चीज़ें, जो बोलते हैं फाफड़ी ढोकला, वो चीज़ें भी बड़ी फेमस है यहाँ पे, तो वो भी अच्छी है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, छोटी छोटी गलियों में से किस तरह गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, छोटी सी गलियों में देखो कंजेस्टेड। अब हमारे मलकीत के भाई के पेट में गुदरी हैं चूहे, और भाई को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो देखते हैं यही मिलता है कि नहीं, और भाई अगर ज़्यादा भूख लगी हो खा लो यार, पैसे के चक्कर में मत रहना, नहीं हमारे जैसे भटकोगे तो भटकने का नहीं, और चलते रहने का खा पी के। और वैसे भी कहते नहीं है, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, तो बट वही है, तो पहले पेट पूजा करेंगे, कर लो यार पहले पेट पूजा ही कर लो, अच्छा फिर आगे का सफ़र ठीक रहेगा। हरिद्वार उसके बाद जाएंगे रामझूला, और उसके बाद जाएंगे तुम्हारे भाई ऋषिकेश, तो ये प्लान बनाया हमने, उसके बाद देखते हैं पहले हरिद्वार का सफ़र कितना टाइम तक के लिए कितने टाइम में कवर करते हैं, उसके बाद फिर ऋषिकेश का प्लान आगे का बनाएंगे, लेकिन जाना है ऋषिकेश जाना है। तो भाई हम आ गए आखिरकार एक और ढाबे पे, और यहाँ पे ठीक है 40 का पराठा दे रहा है एक, बढ़िया ठीक है मिल गया आखिरकार सस्ता, और हमें जो है घाट मिल गया, जो हमारे दर्शन हैं वो हो चुके हैं घाट के, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बस पहुँचने वाले हैं, क्योंकि गंगा बहती हुई हमने देख लिया, तो खुशी हुई अभी विकल लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना क्या करते हैं ऑटो वाले ज़्यादा दूर बताए थे रास्ता, तो ताकि जो है उनका हर कोई जो है उस पर ट्रैवल कर ले, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, कोई भी अगर जा सकते तो अपना पैदल जाओ घूमते घूमते। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। मलकित भाई के चेहरे पे खुशी देखो, खुशी है ना भाई या नहीं, अभी तक प्लेट नहीं आई ना भाई के हाथ में, इसका भी खुशी झलक नहीं रही है, लेकिन झलके की बहुत जल्दी। फाइनली दोस्तों हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, देख रहे हो भाई का रहा नहीं जा रहा, शानदार, ये हमारी 40 रुपये की प्लेट, चलो मिलते हैं खाने के बाद। तो फाइनली गाइस हमारा जो ब्रेकफास्ट हो गया है वो ख़त्म और हो चुका है, अब हम निकल गए हैं अपने घाट के लिए, और ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था और काफ़ी अच्छा, 210 रुपये लगे दोनों का पेट भर गया, बहुत बढ़िया, दो पराठे मिल गए, दही मिल गया, छोले की सब्जी भी, और साथ में अलग से आलू अचार, मतलब बहुत बढ़िया रहा। तो चलो मिलते हैं भाई,
रास्ते में जाम बहुत है, जो भी है जब भी आ जाओ किसी भी टाइम भी आओ, यहाँ पे आपको रश ही मिलेगा। मतलब ठीक है, बढ़िया। देख रहे हो वहाँ पे मिल गया हमें घाट, वो बैरिया नदी, गंगा नदी। दोस्तों हम जो है अपने घाट पे पहुँच चुके हैं, ये देख रहे हो व्यू, ये है भाई गंगा का, ये शानदार। हाँ मलकीत भाई वो आगे गया और हम रह गए हैं पीछे। धूप भी बहुत है पर ठीक है, मौसम हवा भी ठंडी है। यहाँ से जाएंगे फिर राम झूला नहा के नानी के बाद। ये है हमारा नहाने वाला व्यू, ये सारे नहा रहे हैं, इसमें काफ़ी मज़ा आता है, इसमें नहा के पवित्र हो जाते हैं। माना जाता है कि इसमें अगर एक बार नहा लिया, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो अगर आप गंगा में नहा लो तो आप शुद्ध हो जाते हो, ठीक है। और इसके बाद आप ना खाओ, और साथ के साथ कहीं होते हैं कंठी लेना चाहते हो तो पहले उनको गंगा में नहाना पड़ता है, उसके बाद फिर कंठी लेते हैं, इसके बाद वो कभी भी नॉन वेज खा नहीं सकते, तो ये माना जाता है। देख रहे हैं पानी का बहाव काफ़ी तेज है, गंदा है, लेकिन ये पानी है सालों साल ख़राब नहीं होता। आप चाहे बोतल में रख लो इनको, कितने साल भी रख लो पानी ख़राब नहीं होगा कभी भी। तो दोस्तों अब हमने डिसाइड किया कि पहले हमारा मलकीत भाई जाएगा नहाने और उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो मैंने बोला दोनों साथ चलते हैं, कहते नहीं वीडियो भी बनानी है, तो भाई को वीडियो का बहुत बड़ा शौक है, भाई बनाते रहते हैं ब्लॉग वगैरह, लेकिन कभी यूट्यूब पर डालने का मौका नहीं मिला भाई को, बिजी बहुत भाई। अब भाई की बॉडी देखोगे? नहीं 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 भाई नहीं नहीं आई नहीं नहीं भाई भाई नहीं, भाई, इतनी भाई, इतनी भाई, भाई। वैसे भी तो दिखना ही है, वो अलग बात है। देख रहे हो ये हमारा मलकीत, देख रहे हो ऐप, देख रहे हो भाई के। तो वैसे हम जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ नहाने और आपको फिर व्यू दिखाते हैं हम सारा। यू आर रेडी? रेडी ब्रो। या चल 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 भाई, डर रहा है, पहली बार है, पहली बार, फर्स्ट टाइम है। चल आई एम आल्सो कमिंग। हमारे भाई ने कर लिया फाइनली चेंज ड्रेस, हो गया ये। ओ फक, कम ऑन मैन, चल चल चल, कुछ मत कर। या सुपर, जंपर जंपर, फायदा नहीं, चल वो रहने दे। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो हरिद्वार का था मंदिर में पूजा भी हो गई, नहा भी लिया, और अब हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश को। अभी जो है हम फिलहाल गंगा भरवाने हैं, मम्मी ने बोला अभी गंगा जल ले आना, चाहे भले पड़ा हो लेकिन फ्रेश ही था, तो इस करके जो है, तो वो भी भैया भर रहे हैं अभी, देख रहे होंगे, तो भैया भर रहे हैं। और इसके बाद फिर अब निकलते हैं ऋषिकेश को, ऋषिकेश में जो है राम मंदिर है, तो वहाँ पे झूला झूलेंगे, ठीक है ना, तो मिलते हैं। चलो हमारा जो गंगा जल है वो हो चुका है फुल, अब इसको हम बैग में डाल के पैक करके अब चलते हैं हम, गंगा मैया जी हमारे साथ जाएंगे। और अब जो है हम निकल गए अपने रास्ते और यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश। या भाई से किराया नहीं पूछा, मलकीत भाई गुस्सा हो रहे, कह रहे हमें वीडियो में ले ही नहीं रहे, हम भी हैं वीडियो में भाई, हमें कोई लेता ही नहीं है। नहीं नहीं यार भाई, यार तो नहीं आए, तो जब हम चलते रहे निकल गए और चलो देखते हैं आगे का सफर, आपको बताते हैं आगे जुबा कैसे उतार है। ये देखो जुबा कैसे भाइयों, हम जो हैं अभी ऋषिकेश के रास्ते में, और यहाँ पे कम से कम हमें एक से डेढ़ घंटा हो गया, अभी तक जो है रास्ता तय नहीं हुआ, अभी यहाँ फाटक लगा हुआ है, फाटक पे अटके हुए हैं। मेरे तो यार कान पे हाथ लग गए भाई कसम से, ऐसा गंदा रास्ता लाइफ में इतना। वो तो शुक्र है ड्राइवर वाले की जो इतने सही रास्ते से लेके आया, नहीं तो भाई बैंड बज गई थी हमारी तो।
भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत मेरा और देख रहे हूं मैं तो पहली बार बैठ बैठ के मन उग गया मेरा, बैठे नहीं जा रहा मुझसे आज, मन कर रहा कमर कर गई यार, अब समझ नहीं आ रहा, अभी जो पहले रेस्ट कर रहे हैं पहले ऋषिकेश घूमे, चलो देखते हैं ऋषिकेश पहुंच के करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रेस्ट करें आप भाई, लगा हुआ ट्रैफिक देखो मलकीत भाई के लिए मार रहा, ट्रेन आ गई ट्रेन गई का ये, तो भाई फाटक खुल चुका है और अब देख रहे हमारी भाई पसीना पसीना कंजेस्टेड है, लेकिन मज़ा इसी में है, जो मज़ा ट्रैवलिंग करके ना ट्रेन में ऑटो में वो मज़ा ना अपनी गाड़ी में नहीं आता, क्योंकि अपनी गाड़ी में ये है थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन एक्चुअल जीने का तरीका यही है भाई। तो फाइनली मेरे को आगे की सीट मिल गई है, मैं पीछे दब चुका था, अब फील कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बेटर, और इसी के साथ अब 3 किलोमीटर का रास्ता रह गया, अब इस 3 किलोमीटर को कंप्लीट करके हमारा जो मंदिर है जो कि ऋषिकेश वो आ जाएगा, तो चलो मिलते हैं फाइनली ऋषिकेश। फाइनली दोस्त हम जो हैं अपना ऋषिकेश पॉइंट पे तो आ चुके हैं, अब यहाँ से हम आगे जाना है, ऑटो ने ऑटो का बस यहीं तक था स्टॉप तो हमें यहीं रोक दिया, अब यहाँ से जाएंगे देखते हैं आगे, और आगे देखते हैं क्या मिलता है, तो इसके साथ साथ ठीक है यहाँ पर सारा ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, आगे बोला हुआ उन्होंने तो आगे जाएंगे, अरे आगे जाओ ऑटो यहीं तक जाएगी, अब यहाँ से आगे जाएंगे, चलो मिलते हैं आगे जाके। अरे भाई मुझे ना शूज चेंज करने पड़ गए, मैं जब आगे आया था वो मेरे को बहुत काट रहे थे, तो जिस वजह से अभी तुम्हारे भाई ने नए शूज़ लिए हैं, भाई ने भी अपना लुक चेंज किया है, धूप बहुत ज़्यादा कड़क थी तो मैंने बोला चल मैं तो काला ही ठीक हूँ, तू अपना गोरेपन को बचा सकता तो बचा ले, तो भाई वो जो गोरा बचा उससे बचा ही देता हूँ भाई लगा हुआ है। बाकी यार यहाँ से पहले कौन सा बोला था अपना 3 झूले आएंगे, एक राम झूला आएगा पहले, नहीं वो दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे लक्ष्मण झूला आएगा और उसके बाद अपना राफ्टिंग वगैरह आएगी, तो सबके जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर किसी का 1 किलोमीटर है, तो वो चीज़ें देखनी हमें, और पैदल ही हम क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत है तो बेटर है कि पैदल ही ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इस चीज़ से जो है बाकी चलो देखते हैं। शूज लिया, शूज देखो भाई, भाई धूप ज़्यादा हो रही, तो हमने अभी जो है बेल का जूस पिया, कैसा था भाई? मस्त यार, मेरा फर्स्ट टाइम था भाई, पर भाई का फर्स्ट टाइम था, मेरा दूसरा सेकेंड टाइम, क्योंकि मैंने इससे पहले खाया हुआ है पटना में, तो बहुत टेस्टी होता है पेट के लिए खास करके, और काफ़ी भी ऐसी गर्मी में तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रैवल कर सको, चल सको, तो वो अच्छी बढ़िया ये लिया तुम्हारे भाई ने शूज, क्या करें मजबूरी में बोलते नहीं आटा गिला। तो गाइस हम काफ़ी थक चुके हैं और हमें जो है रूम अब कहीं मिलने रहा, अभी हम गुरुद्वारे बैठे हुए हैं हेमकुंड गुरुद्वारा जो कि ऋषिकेश में ही है, तो यहाँ आए हैं रूम का पता करने, यहाँ पर भी शायद अवेलेबल है नहीं, तो देखते हैं हम क्या मिलता है, अभी गुरुद्वारे के अंदर ही बैठे हुए हैं और इसके साथ देखते हैं हम क्या होता है। फाइनली गाइस जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो घर ही आ चुके हैं, हम जो है अपना राम झूला के पास आ चुके हैं, चलो आपको व्यू दिखाता हूँ मैं इधर का, अब भाई टोटली टायर्ड हो चुके हैं हम, टोटली बिल्कुल हिम्मत नहीं है, चलो देखो फिर भी आप ये देखो भाई नई तरह के क्या है ये G20 अच्छा सफाई वाला है, ये है अपना राम झूला, इससे आगे लक्ष्मण झूला झूला ही, मैंने तो सोचा था इस पर झूलेंगे यार, बट इस पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही है यार। यहाँ पे आगे एक चीज़ नहीं समझते, चलो माना भी टूरिस्ट प्लेस है घूमते हैं, रेट इतना हाई क्यों कर देते हैं यार कि भाई नॉर्मल बंदा अफोर्ड ही ना कर सके, तो यार हद ही होगी
60 रुपए का लस्सी का गिलास बताओ, 30 रुपए का पैकेट होता है भाई यार, 30 रुपए रख लेता दो गिलास बन जाते हैं। पर नहीं, चलो ये देख लो भाई, व्यू देखो, व्यू तो बहुत अच्छा है। फाइनली हमें थोड़ी सी राहत मिली यहाँ पे आके। भाई ये है अपना राम झूला और उधर है अपना लक्ष्मण झूला, और हम इस पे जाएंगे, अब अंदर जाएंगे इसके नहाने, क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ पे नहाना भी है। अब ये मौका नहीं छोड़ने वाले, वी विल इंजॉय, वी विल बल्कि कम, लेट्स प्ले। क्या व्यू है यार, वाह मज़ा आ गया, थकावट दूर होगी वैसे। मलकी तो पता नहीं है फिलहाल अभी कि यहाँ पे ऐसा व्यू है, मलकी देखेगा वो भी और खुश होगा। सो फाइनली गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ। गाइज बहुत मैं थक गया था, जिस कारण से जो है वीडियो नहीं बना पाया मैं वापसी के, बहुत और भी कुछ रीज़न थे जिस कारण से आगे तक की वीडियो नहीं बनाया पाया। तो अगली बार जब भी मेरे को इससे आगे जाने का मौका मिलेगा तो मैं पक्का आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और हरिद्वार सॉरी केदारनाथ जाना मेरा सपना है, तो जब भी शिव जी मेरे को बुलाएंगे तो मैं पक्का जाऊँगा उनके पास केदारनाथ। तो अभी इस साल तो नहीं जा पाऊँगा, अगले साल कोशिश करूँगा, और जब भी जाऊँगा आपके लिए वहाँ तक के लिए वीडियो पक्का बना के लेके आऊँगा। और जब भी मौका मिलेगा, पता नहीं अब कब मिलेगा, बट है पक्का है कि एक ना एक दिन ज़रूर मेरे को वहाँ पे शिव जी के दर्शन करने का ज़रूर मिलेंगे केदारनाथ। तो आपके लिए वीडियो पक्का लूँगा, आप लोगों को पक्का दर्शन करवाऊँगा। और गाइस अब तक का जितनी इन्जॉयमेंट की यार मज़ा आ गया सच में, मतलब मलकीत भाई है, मतलब भाई की तरह अपना, और भाई अभी आया ही है और उसके साथ जब भी आता है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं जाता है। वीडियो नहीं बनाता था पहले, लेकिन अब पक्का आप सबके लिए बनाऊंगा, ठीक है। और जब भी कहीं पे भी जाऊंगा भाई, बल्कि आता ही कुछ टाइम के लिए है, तो इस करके मतलब फुल एंजॉय करते हैं जब भी आता है ना भाई, बहुत एंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो इस बार जिस तरह हरिद्वार, इससे पहले मैं बहुत कई बार बहुत जगह जा चुका हूँ उसके साथ, तो कई बार तो मौका ही नहीं मिला मुझे जाने का। तो अब जब भी आ गया तो उसके साथ मैं अगले जब भी मौका मिलेगा मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा उसके साथ। और इस बार बहुत मज़ा आया मलकीत भाई के साथ मेरे को, मतलब फुल मस्ती की यार, सच में मज़ा आ जाता है, हंस के दोस्तों के साथ तो अलग ही मज़ा है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जितना प्यार करेंगे गाइस मैं उतना ही अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। कहीं अगर आपको लगता है भी हाँ यहाँ की बनानी चाहिए तो मैं प्लीज़ वो वहाँ की ज़रूर बना के लाऊंगा। और आपको क्या चीज़ वीडियो में अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसके साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।